जय राव जय भोलेनाथ दोस्तों, आज क्या मार्केट था यार, गजब मार्केट। सुबह पूरा निफ्टी को गिराया जा रहा था जैसा कल था, और बैंक निफ्टी को पूरा होल्ड किया। बाद में निफ्टी लीड किया और बैंक निफ्टी थोड़ा सबड्यूड हो गया, क्योंकि उसको उल्लू बनाना था। कल बैंक निफ्टी भागेगी 500 से 1000 पॉइंट, निफ्टी भागेगा 100 से 150 पॉइंट, अगर कोई बैड न्यूज़ नहीं आई। क्योंकि आज फेड के वहाँ से बहुत सारे कॉमेंट्स आएंगे, उसका इफेक्ट आ सकता है। लेकिन मुझे कल लगता है कल तेज़ी रहेगी, परसों छुट्टी है। मगर कल की तेज़ी के बाद माल काट के जाना, कोई भी माल रख के मत जाना। कल तेज़ी में लास्ट में पूरा माल दे के जाना और पुट खड़े कर देना बाद में। पूरी चाल समझ में आ गई थी सुबह ही मुझे आज। मैं सोचा बैंक निफ्टी डिप नहीं दे रहा, नहीं देगा इसका मतलब। और दूसरी बात, आपको आश्चर्य होगा, कल मैंने एम्फेसिस, कोफोर्ज और इन्फोसिस सब सेल कराया। सब सबके टारगेट एक एक दिन में आ गए। 6398 पे जो कोफोर्स सेल कराया वो 61 समथिंग आ गया कल कराया, और आज उसको बाई कराया नीचे में लोअर एंड पे, कि अब मेरे चार्ट में बाई आ गया। ये वहाँ से 6350 चला गया। एम्फेसिस में भी ऐसा, इन्फोसिस में भी ऐसा ही किया। इतना एक्यूरेसी निकलती है इस चार्ट से। और बैंक निफ्टी अगर आज करेक्शन दे देता तब मामला गड़बड़ हो जाता, लेकिन वो नहीं दिया, समझ में आ गया था, इसीलिए मैंने आप लोग को वीडियो भी डाल दिया कि ये गड़बड़ है कुछ। निफ्टी ने तो अपना काम कर दिया और 200 पहुंचा के दिखा दिया जो मैंने बोला। चलिए दिखाते हैं पहले आपको निफ्टी कहाँ गया। 224 का लो, ये लोवेस्ट लो है आज का, इस वीक का, ठीक है। अब निफ्टी कल फाड़ देगा ये बोल देता हूँ आपको, क्योंकि इसको मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि इसको हाई तोड़ना बाकी है 4563 का। तो आज क्या किया इसने, 497 का हाई बनाया। मैंने एग्जैक्टली ये बोला था आपको, 509 के आसपास का हाई बनना जरूरी है, प्लस माइनस 20 पॉइंट्स कल भी बोला था, इसलिए मैं बोला। अब कल ये 600 बना के जय श्री राम कर देगा, 620 के आसपास बस वो टॉप है। और बैंक निफ्टी एक बार 48900 तक जाएगा, कंफर्म है। देखिए आज की क्लोजिंग आ गई 960, कितनी आई है, 965 आ गई। तो मैंने कल बोला था 815 के ऊपर करते ही जय श्री राम कर देना। ये देखिए कोफोर्स का, आप आश्चर्य करोगे। देखिए ये लो आया 6140, तभी मैंने बोला कि अपने शॉर्ट काटो और इसको वापस बाई करना है। और बाई करने के बाद कहाँ पहुंचा दिया, 6352। कल 6398 पे करीब सेल कराया था। सुपर इंफोसिस 1580 के आसपास बोला कि ये 84 का जो लो बनाया कि यहाँ काट लो, और इस ये भी बाई बन गया। और ये बाई बनने के बाद कहाँ पहुंचा दिया, 1626। एम्फेसिस तो तीनों कंफर्म, बस चले नहीं तो कॉल पुट। साले कैसा कैसा बदमाशी कर रहे हैं आजकल, क्या आप खेल लोगे भाई कॉल पुट में, फुल्ली बदमाशी। पूरी देर बाटा रेट चिपका के रखा था किसको, बैंक निफ्टी को पूरे दिन। बाद में हिलाया कब, 3 बजे के बाद। देखिए आप, मैं आपको पहले बैंक निफ्टी से ही समझाता हूँ, 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ। देखिए पूरा बाटा रेट चलाया इसने, जितने दौरान निफ्टी डाउन चल रहा था, ये देखिए ये बाटा रेट चलाया इसने। कब तक, जब तक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा था, एक ही एक इतने से दायरे में पूरा दिन इसने बिताया। और लास्ट में एक फॉल दिया ताकि आप लोग इसमें पुट लेके जाओ, लेकिन ये कल फाड़ेगा ये आपको बता दो। मिनिमम 48300 तो कल ही दिखा देगा, मिनिमम बोलो मिनिमम। कल 48600 भी दिखा दे कोई बड़ी बात नहीं। स्पॉट की बात कर रहा हूँ, स्पॉट में आज का स्पॉट का हाई कितना है,
इसका सपोर्ट कहाँ है, आज का हाई था 161, कल 300 तो मारेगा ही मारेगा, आप लिख लो कोई भी कागज में लिख लो। अब कुछ कोई बैड न्यूज अमेरिका से 1000 पॉइंट गिर के कुछ आ जाए उसका कुछ नहीं कर सकते, बाकी अब क्लियरली बुलिश दिख रहा है। अब निफ्टी में देखो आप, पूरा दिन ये गड्ढा बना के चल रहा था और लास्ट में ये कैसा भागा, तो ये सॉरी ये तो 6 मंथ्स का चार्ट है, इतना बड़ा पैसा। हाँ निफ्टी, हाँ वैसे ही चला, 5 मिनट्स में गड्ढा ही बना के चल रहा था, आखिरी में इसने उछाल मारा। मतलब पूरे दिन यहाँ से ऐसे गड्ढा बना रहा था और उधर बैंक निफ्टी अपना जगह पे खड़ा था तन के उस पीरियड में, फिर बैंक निफ्टी गिरा इसको बढ़ाया, ताकि आप बैंक निफ्टी के कॉल नहीं लेके जाओ। क्या साला ऑपरेटर कितना मास्टर माइंड गेम खेल रहा है, कल फाड़ देगा, कल जिसने भी कॉल लिया वो लॉटरी लगेगी उसको। मैंने कब का लिख दिया मेरे ग्रुप में, सब कॉल बाय करके जाना आंख बंद करके, इतना तक भी लिखा कि ये जो गिरावट कर रहा है ये भी नौटंकी है, ये सब भी लिखा हूं, और कितनी जगह मुझे लिखना पड़ता आपको पता नहीं है। क्लियरली एक ब्रेकआउट आया, क्लियरली चलिए दिखा देता हूं। बस ये लाइन को क्रॉस कर दिया मतलब मामला सॉलिड है। अब देखिए ऑफिशियली अगर हम लोग टारगेट निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं, इसका टारगेट क्या बनता है जनरली जितना इसका साइज है उतना जा सकता है, या मिनिमम 50% इसका जाता है, या मिनिमम 50% जाता है। तो देखते हैं इसको उठा के ले जाते हैं ऊपर जहाँ पे ब्रेकआउट आया, तो ये तो भाई साहब 50,000 के आसपास का टारगेट दिखा रहा है, पूरा 50। ये देख लो आप, इधर मैं एक रेड कलर की लाइन खींच देता हूँ उसके टॉप पे, पूरा 50 पे जाके रुक रहा है। यहाँ ये आपको बड़ा दिखेगा कि नहीं, 50 आप अपने स्क्रीन पे बड़ा करके देख लीजिए, 50 का टारगेट दिखा रहा है। अब इसका अगर आधा भी आता है तो 49 तो जाके रहेगा ही, अगर इसका 50% भी आता है, क्योंकि कभी कभी इस चैनल का 50% आता है और वहाँ से, तो भी ये 49 जाएगा। 49 तो ऑलमोस्ट एश्योर्ड हो गया, 50 जाएगा लेकिन ऐसा लग रहा है। तो मामला गिरावट का मन, या हो सकता है 49 पे जाके रुकआउट कर दे, 49 एग्जैक्ट है क्या है? नहीं 49 थोड़ा सा नीचे होगा, 48,900 के आसपास। तो ये तो बनता है इसका टारगेट ये चैनल का, तो ये उल्टा यहाँ आने वाला था लेकिन यहाँ टाइम पास करके ये जो ब्रेकआउट मारा, ये क्लियर है कि ये सॉलिड ब्रेकआउट है, 50 भी पॉसिबल है। और ये दिखना आपको 3 दिन 3-4 ट्रेडिंग डेज में दिखाएगा, आपको लंबा टाइम नहीं लगाएगा 50 पहुंचेगा अभी। तो अब निफ्टी को भी देख लेते हैं हम लोग, निफ्टी ने अपना पूरा काम किया, आज एक बढ़िया लो बना के इन सारे हाई के ऊपर क्लोज कर दिया, 463 के ऊपर क्लोज कर दिया। ये बहुत बड़ी क्लोजिंग होती है, ये चांसेस तो साला बहुत बड़ा बना रहा है भाई, 657 भी आराम से जा सकता है, कोई बैड न्यूज ही लानी पड़ेगी नहीं तो कौन लाएगा बैड न्यूज। अब तो बढ़िया ब्रेकआउट दिख रहा है भाई मुझे, आज सॉलिड वाला आया, 3 दिन पुछड़ी वाले कैंडल बना के, मैंने कल बोला था कल ये चलेगा देख लेना आप लोग, जब 3 दिन लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न बनता है ना अगला दिन वो चलता ही है लो बना के तो ये देखिए क्लियर नहीं है,
एक सॉलिड ब्रेकआउट है ये यार। टारगेट तो इसके भी बड़े बन रहे हैं, बाप रे। 23,000 के आसपास दिखा रहे थे, 23,200 के आसपास। ये क्या होने वाला है देखना पड़ेगा रे भाई। 63 का RSI है, 64 का RSI है, सॉलिड है, मतलब सॉलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं ADX देखूं, ADX की वैल्यू लेकिन 13 है। ADX में दम नहीं, ट्रेंड में दम नहीं है। इसका मतलब 50% ही जाएगा, ये 600 वगैरह जाके जय श्री राम बोल देगा, क्योंकि ट्रेंड इसकी वैल्यू जब तक 20 पार नहीं करती ट्रेंड कंफर्म नहीं रहता है। 20 के ऊपर होना जरूरी है इसको, ठीक है। ऐसे ट्रेंड पॉजिटिव दिख रहा है क्योंकि ग्रीन वाला का वैल्यू 26 है, रेड वाला का 19 है, ट्रेंड पॉजिटिव है। लेकिन ADX की वैल्यू, जो ADX में स्ट्रेंथ होती है, एक ट्रेंड में स्ट्रेंथ होती है, वो स्ट्रेंथ बहुत कम है। इसकी स्ट्रेंथ कम से कम 20 से ऊपर रहे तो हम थोड़ा पॉजिटिव मानते हैं उसको। तो ये 13 की स्ट्रेंथ पे MACD में सॉलिड है, 20 का डाइवर्जेंस चल रहा है MACD लाइन और सिग्नल लाइन के बीच में, ये भी अच्छा है। स्टॉक एस्टिंग 91 पे आराम से 98 तक खींचेगा। भैया तैयारी रखिए, कल फाड़ के दीजिए। वही बैंक निफ्टी के भी सारे देख लेते पैरामीटर्स क्या बना। ये तो फ्लैग ही बना दिया, आप देख लो, ये फ्लैग है, फ्लैग, ये पोल ब्रेकआउट, ठीक है। अब इसके देखते हैं 65 की RSI, सॉलिड सॉलिड। अब इसका ADX भी देखिए 14। यहाँ एक ही चीज़ है जो ये तेजी दिख रही है ना, इसमें ट्रेंड में स्ट्रेंथ नहीं है। ADX एक ट्रेंड बताने वाला इंडिकेटर होता है, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स ADX का फुल फॉर्म होता है। इसकी वैल्यू अगर 20 के ऊपर नहीं हो तो इसका बहुत ज़्यादा काम नहीं आता है। लेकिन अभी अभी करंट में 14 की वैल्यू पर भी अगर ट्रेंड देखें तो ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन ट्रेंड में स्ट्रेंथ नहीं है क्योंकि ADX की वैल्यू 20 से नीचे है। एटलीस्ट 22 से ऊपर होती तो हम 23,000 की भी बात कर डालते, ठीक है, निफ्टी में, और इसमें 50,000 की बात बड़े आराम से कर डालते। MACD इसका क्या डाइवर्जेंस है, बाप रे बाप, 165 का डाइवर्जेंस है, सॉलिड है MACD, पूरा फ्लाइंग है। स्टॉक एस्टिक 94 पहुंच गया, तो ये भैया इसको नहीं जाने देगा 50 पे, शायद नहीं जाने देगा, या छू के आएगा किससे, तो 50 छू के सीधा मंदी वाली कैंडल बना सकता है, ऐसा हो सकता है। 49 तो छू देगा, ठीक है। स्टॉक एस्टिक इसका थोड़ा चढ़ा हुआ है, चलिए अब क्या क्या देखना। और तो ब्रेकआउट पे दिख गया सब कुछ, कैंडल आज आज देखो कैसी बॉडी वाली बनाया सब में, बॉडी अच्छी वाली बॉडी बनी सब में। तो आज का वीडियो में बहुत लंबी चौड़ी बात करने लायक है निकल, और IT का जो बॉटम था वो किक करके सबको ऊपर लेके आया। आज हम निफ्टी IT को देखते हैं, आज का निफ्टी IT की कैंडल देखते हैं, आज अच्छी बनी होगी। देखिए आज इसने सिग्नल दे दिया पॉजिटिव का, ये पूरा IT सेक्टर को, CNX IT बोलते हैं इसको, ठीक है। ये कितना बड़ा गिरावट में चल रहा था, आज इसने बुलिश हैमर बना दिया बॉटम पे। अब ये एक बार तो 37,500 छुएगा, आज 37,000 के करीब है, तो एक बार IT में थोड़ी रिकवरी आएगी कल। मगर अभी भी आप देखो तो ट्रेंड उस, मतलब अभी भी इसका जो मूवमेंट है वो सॉलिड नहीं है, सिर्फ ये बाउंस बैक IT में। IT में कोई तेजी मत कर लेना, नहीं तो तुम्हारी चड्डियाँ उतार दे गई। ये सिर्फ इतनी बड़ी जो गिरावट हुई IT इंडेक्स में, कहाँ से कहाँ तक हुई देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ। ये 19/2 को IT इंडेक्स था 38,559,
38559 कब था? 38559 निफ्टी आईटी इंडेक्स 19 फरवरी को, 19th फेब, इट वॉज दिस एंड टुडे इट मेड ए लो ऑफ 36134 एंड फाइनली, लेकिन क्लोज कहाँ पे किया? 37001 पे। आज लो बनाया 36134, 19-2 से लेकर यहाँ तक इतनी बड़ी गिरावट हो गई, लेकिन आज की क्लोजिंग देखिए इस लो से कितना ऊपर हुआ है, 37001, मतलब 900 पॉइंट खींच लिया, इसलिए ऐसा हैमर बना है, समझे? तो ये एक शॉर्ट टर्म तेजी हो सकता है, ये 10 और 20 दोनों को छुए, तो इसका 10 कहाँ पे है? 37401 पे है, और 20 37, तो ये एक बार 37450 तक जाने की ताकत रखता है, 500 तक जाने की ताकत रखता है, उससे ऊपर क्लोजिंग देगा तभी जाके इसमें तेजी आएगी, यहां जाके ये रुक जाएगा, याद रखिएगा। जब तक ये 37460 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा, फिर से इसको सेल ही करना है, ये खाली बाउंस बैक होएगा, इतनी बड़ी जो गिरावट आई उसका इतना बाउंस करेगा, फिर एक नई गिरावट देगा। इसका मतलब कल ये सारे बाउंस करेंगे और मंडे को इनकी फिर से पिटाई होगी, ये कुछ ऐसा बनेगा, देखिए ये फॉल, ये रिबाउंड और फिर ऐसी बड़ी फॉल। तो आईटी में इस धोखे में मत आ जाना कि बाइंग करना है, ठीक है? मैंने तो इंट्राडे के हिसाब से बताया, और क्या रैली किया आज, ये जब आपको बहुत अच्छी जानकारियां होती है ना तो आप ऐसे पकड़ लेते हो कि ये बॉटम बन गया, ये इतना आसान नहीं होता पकड़ना, लेकिन मैं अपनी क्लास में ये सिखाता भी हूं कैसे पकड़ना है। ठीक है, अब मोटा मोटा, अब ऐसे देखो तो कितना सॉलिड गिरावट आया, राउंडिंग गिरावट आया इसमें, मगर क्या एक सपोर्ट बनता ना यहाँ पे, उस सपोर्ट को तोड़ा नहीं। देखिए ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट की थी, इसके नीचे इतना बड़ा लो बनाया लेकिन क्लोज यहाँ पे किया, सपोर्ट ले लिया, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले लिया, कैसे ट्रेंड लाइन होती थी ये जितने यहाँ पे कई बार बॉटम बने, तो यहाँ पे मैं एक रेड कलर की ट्रेंड लाइन इन सारे लोज को कनेक्ट करता हूँ, ठीक है? ये जितने भी लोज हैं इनको कनेक्ट किया और इसको एक्सटेंड किया मैंने, क्या किया? तो देखिए आज इसने इस लाइन के नीचे लो जरूर बनाया लेकिन कहाँ क्लोज किया? तो ये एक बॉटम पे सपोर्ट मिल गया इसको, मगर इसमें असली चाल तब आ सकती है जब ये 37460 के ऊपर पहली बार क्लोज देगा। आज 37001 पे दिया है, इंट्राडे में कल 37600 भी दिख सकता है, लेकिन क्लोजिंग करना इतना आसान नहीं होगा इसके लिए। इसका कारण क्या है बताइए, क्यों इतना आसान नहीं होगा? आज आपको एक लेसन भी सिखा देता हूँ फोकट में, चलिए इन्वेस्टिंग खोल के आपको सिखा देता हूँ। इसमें आईटी में तेजी कल आएगी लेकिन वो टिकाऊ वाली नहीं होगी, वो क्यों नहीं होगी, कैसा सीखना पड़ता है वो आपको आज समझाता हूँ। चलिए फोकट में एक क्लास भी दे देता हूं, अरे यार ये तो खुलने में ही तो बाबा जी बन गया, एक काम करते यही सिखा दो। ये ऐसा क्यों होता है भाई, ये क्या, ये किसी ने बोला आप टास्क मैनेजर में जाइए क्या करिए पता नहीं है। ऐसे गोल गोल घूम रहा है साला नेट,
चलिए मैं यहीं दिखा देता हूँ, यहाँ मैं सबको हटा देता हूँ, ठीक है। नहीं यहाँ दिखेगा नहीं अच्छे से, यहाँ प्रॉब्लम आएगी, आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी, बाकी कुछ नहीं। यही दिखाता हूँ, खुल गया सिम सिम। क्लास के लिए भर्ती कोई नहीं कर रहा है, क्या बात है, सबको ऐसे वीडियो देख देख के मजा लेना है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे मैं 2 EMA लगाता हूँ, ठीक है, एक दो, ठीक है। अब दोनों को मैं कलर चेंज कर देता हूँ, एक का कर देता हूँ 10 और कलर कर देता हूँ इसका ब्लू और मोटा, 10 वाले का ब्लू है याद रखिएगा, ठीक है, और इसका कर देता हूँ 20। ये निफ्टी का चार्ट है, हालांकि अभी मैं वहाँ पे वो लगाऊंगा, निफ्टी में तो सॉलिड चल रहा है, क्या बढ़िया। चलिए अब यहाँ पे निफ्टी IT लगाते हैं, यहाँ देखिए आप ये क्यों, इसलिए मैं बोला इसको खाली छुएगा, इसके ऊपर हाई तो जरूर बनाएगा लेकिन क्लोज इसके नीचे ही करेगा। जब भी ये 10-20 दोनों का मुंह नीचे की तरफ है, मतलब ये खाली एक डेड कैट बाउंस आएगा, ये सीख लीजिए। ये मूविंग एवरेज का मुंह नीचे की तरफ है दोनों का, 10 वाली का भी 20 वाली का, दोनों का कलर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये जब तक इस दोनों के ऊपर दो क्लोजिंग नहीं करेगा तब तक इसमें पोजिशनल तेजी नहीं करनी चाहिए निफ्टी IT, मतलब IT स्टॉक्स, इनमें फिर से पिटाई आएगी। कैसे आएगी मैं बता रहा हूं, ये देखिए इनका मुंह नीचे है तो ये यहां तक आया, आज खींचा, अब ये यहां तक ले जाएगा, थोड़ा सा इसके ऊपर जाएगा लेकिन क्लोज कल इसके नीचे करेगा, उसके बाद एक सेकेंड राउंड में ऐसा लाएगा नीचे, फिर एक नौटंकी करेगा, फिर बड़ी गिरावट। तो IT इंडेक्स मुझे तो बड़ी गिरावट का कैंडिडेट लग रहा है इस साल, IT इंडेक्स में मुझे लाभ नहीं दिख रहा, ये सेप कुछ ऐसा ही बन रहा है, ठीक है। अब इसके विपरीत आप इसी चीज को निफ्टी को देखिए, कितना दोनों का मुंह देखना आप कहां पे, मैं सिर्फ निफ्टी लगाता हूं यहां पे, क्या साला तन के आसमान की तरफ दिख रहा है, दोनों तन के आसमान की तरफ दिख रहा है, और इसने क्या किया आज इन दोनों को छू दिया एक ही दिन में और छू के भगा दिया। तो ये छू के ऊपर क्लोज करता है क्योंकि ये बुलिश है, क्योंकि इसका चेहरा आसमान की तरफ है, और निफ्टी IT छू के इसको छूएगा जरूर लेकिन छू के नीचे क्लोज करेगा क्योंकि उसका उसकी एवरेज के चेहरे नीचे की तरफ है। आप कभी भी नीचे मुंह करके सीढ़ियों पे चढ़ सकते हो क्या, नीचे मुंह करके, नहीं, आपका मुंह ऊपर की तरफ, अगर आप ऊपर चढ़ रहे हो कहीं पे भी तो आप नीचे मुंह नहीं करोगे, ऊपर की तरफ करोगे, है ना। तो ये चढ़ाव पे है और इसने आज अपना काम कर दिया, 10 EMA 20 EMA दोनों को छू दिया एक ही दिन में, ठीक है, और दोनों के काफ़ी ऊपर स्काई रॉकेटिंग टॉप पे बंद हो गया, ठीक है। सेम इज द केस विद बैंक निफ्टी, इफ यू कैन सी, यू कैन अंडरस्टैंड कौन सी चीज़ तेजी में, कौन सी चीज़ मंदी में, आप कैसे निकालोगे, ये छोटी सी एक सेक्शन में आपको बता रहा हूं। मगर ये नहीं कि तेजी वाला रोज ही तेज होगा, कभी ना कभी गिरेगा भी, जैसे आज निफ्टी गिरा लेकिन अपना काम कर गया। अब देखो बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो इसकी भी दोनों चेहरा ऊपर की तरफ, और इसने यहां इसके नीचे क्लोज देके घुमा दिया मामला, यहाँ देखिए इसका मुंह नीचे की तरफ आया, यहाँ एक दिन इसके नीचे क्लोज किया लेकिन अगले दिन जब इसके ऊपर क्लोज किया चेहरा पूरा चेंज कर दिया।
1 मिनट, इनपुट में 20 तो किया नहीं मैंने, इसलिए वो डिफरेंस नहीं दिख रहा लाइन का। अब देखिए, ओ तो निफ्टी में भी ऐसा ही हुआ होगा, मैं 20 वहाँ डालना भूल गया, 19 आ गया था, इसलिए कॉमन। निफ्टी ने 10 EMA जस्ट छुआ आज, 20 EMA तो छुआ भी नहीं, ठीक है। वो दोनों एक जैसी दिख रही थी क्योंकि 9 और 10 थी। तो देखिए ये कितना स्ट्रेंथ में, मगर इसके विपरीत निफ्टी IT को आप देखोगे ये सिर्फ इनको छूने जाएगा, क्योंकि दोनों का मुंह नीचे की तरफ है। प्लस निफ्टी IT में आज की डेट में भी 20 EMA की वैल्यू ज्यादा है 10 से, वो भी एक निगेटिव होता है। या तो ये 2-3 दिन इसके ऊपर क्लोज करे, 2 दिन, तो फिर ये बहुत बड़ी तेजी में जा सकता है। दैट्स इट आज के लिए, इतना ही। अब भोजन वोजन करेंगे, ब्रश वश करेंगे। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, लव यू।